बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक है। इस वक्त मैं मकाम लुत पे हूँ और मकाम लुत वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, और ये दरख्त है इस जगह पे, उसको यहाँ पे आके कत्ल करेंगे। और सामने आप देख रहे हैं वो मकाम, ये वो मकाम है जहाँ पर ये कुआँ है, यहाँ पर इसको ला कर फेंकेंगे। ये जगह है, दज्जाल के बारे में थोड़ा सा मैं आप हज़रात को बता दूँ कि दज्जाल जो है नूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से हिफाजत के लिए हमें दुआ याद कराई है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ बिका मिन अज़ाबि क़ब्र व आऊज़ बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व आऊज़ बिका मिन अल-महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिन मासमी वल मग़रम। तो बेसिकली दज्जाल जो है वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। तो ये यहूदी नस्ल होगा, और जब ये आएगा और इसको ज़मीन के खजाने उगल दिए जाएंगे, और ये पहले मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा, वहाँ पर फरिश्ते होंगे जो उसको दाखिल नहीं होने देंगे, फिर मस्जिद नबी में दाखिल होने की कोशिश करेगा, वहाँ 7 दरवाज़ों पर फरिश्ते खड़े होंगे और जो उसको वहाँ से निकाल देंगे, और ये फिर वहाँ से दमिश्क आ जाएगा, और दमिश्क के अंदर फिर हज़रत महदी अलैहिस्सलाम का जब ज़ुहूर होगा, हज़रत महदी अलैहिस्सलाम जब मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ, वो दमिश्क आएंगे और नमाज़ का वक्त होगा, अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमाएंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख कर ये ऐसे भागेगा, ऐसे पिघलेगा जैसे पानी के अंदर नमक डाला जाए तो नमक पिघल जाता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको इस मकाम पर उस दरख्त के पास कत्ल करेंगे, और इस मकाम पर जो है उसको फेंक देंगे। ये दज्जाल की थोड़ी सी उसके चेहरे के माथे के ऊपर जो है काफ़र लिखा होगा, मुसलमान उसको देख के पहचान जाएंगे, तो लोगों को ज़िंदा करेगा, लोगों को मारेगा, ज़िंदा करेगा तो वो शयातीन उनकी सूरतें बनाकर सामने आ जाएंगे। ये पूरा मंजर मौजूद है सारा हदीस में। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए दज्जाल के फितने से। अस्सलामु अलैकुम।